है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ब्लैक इतना सुंदर लग रहा है, आप क्या कहोगे? थैंक यू. ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर और जैसा कि मैं कहती हूँ कि मुझे हर बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना पसंद है, तो आई थिंक पहली बार ऑन माई बर्थडे आई एम वेयरिंग ब्लैक एंड या आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट एंड आई लव इट. शिवांगी, खतरों के खिलाड़ी के लिए आपका नाम बैक टू बैक सामने आ रहा है, उसे लेकर क्या कहोगी? खतरों के लिए आप कितनी तैयार हो और आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे? मैं जा रही हूँ, बिल्कुल जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यार. आई थिंक आई फील इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है, इतनी अलग अलग चीज़ें जो शायद हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं मिलता है करने का मौका. सो आई एम एक्साइटेड. ओके, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर शिवांगी को लगता है? बहुत ज़्यादा चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. कोई एक चीज़ तो फिलहाल मैं नहीं बता पाऊँगी और मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, किसी ने सुन लिया तो. ओके, लास्टली बर्थडे के मतलब आज तो बर्थडे है, बर्थडे के बाद के कुछ प्लान है क्या? कुछ इस बार का डिसाइड किया है कि इस बार ये तो करना ही है इस साथ? फिलहाल तो मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, आधे लोग सुबह आए हैं और बाकी कल परसों आए हुए हैं, एंड सो मैं उनको उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई बिकॉज आज का दिन बहुत बिजी था. तो आज बर्थडे ओवर होने के बाद मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ. माय लिटिल नेफ्यू इज़ आल्सो हियर, सो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ. लास्टली वन मैसेज टू योर फैंस. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑलवेज लविंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी. आई लव यू गाइज एंड मैं आप लोगों के एडिट्स और यू नो इंस्टाग्राम पे सारे पोस्ट कॉमेंट्स सब देख रही हूँ एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. सो आई लव यू गाइज. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Okay, thank you.